मेरा नाम सुमन आनंद है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज तक किस प्रकार के आवरण उपवास में आप लोग बैठे हुए? आज ओम शंकर सर के समर्थन में हम लोग सामूहिक उपवास पर बैठे हैं और सबसे पहले तो हम अपने गुरुजी का धन्यवाद करना चाहेंगे और गुरुजी को प्रणाम, सादर प्रणाम करना चाहेंगे, इसलिए कि आज जो दौर है कि जहाँ अच्छे अच्छे प्रोफेसर इस सत्ता के सामने और इस कुलपति के सामने, इस भ्रष्टाचारी कुलपति के सामने जहाँ चरण बंदन कर रहे हैं, जहाँ लेट जा रहे हैं, उस दौर में भी सर अगर गरीबों के हक के लिए और गरीबों की आवाज़ बन करके अगर बैठे हैं तो सबसे पहले हम उस गुरुजी को धन्यवाद करेंगे जो हम जैसे गरीब छात्र जो कि गांव से और दूर दूर जगह से इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, ना जाने कई कोस से जो मरीज आते हैं इलाज के लिए, उनके लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस गुरुजी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम सभी छात्र यहाँ बैठे हैं आज उनके समर्थन में और आज इस एक दिवसीय उपवास से हम विश्वविद्यालय के VC और जो भ्रष्ट लोग हैं, हम सभी छात्र उनको एक चेतावनी के तौर पर आज ये कह रहे हैं कि अभी समय है, चीज़ों को ठीक कीजिए, वरना आने वाले समय में हम गुरुजी के समर्थन में सामूहिक उपवास और अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे। मेरा नाम शुभम है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और हम सब किस प्रकार का ये एक दिवसीय आप लोग का आमरण अनशन है? सर, ये एक दिवसीय हमारा जो ये सामूहिक उपवास हम लोगों ने रखा है डॉक्टर ओम शंकर सर की मांगों के समर्थन में। जैसा कि आप सभी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप सभी को भी पता भी है कि सर लगातार पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांगे हैं कुछ, जो हृदय विभाग में 91 बेड जो उनको आवंटित किए गए थे वो उनको दिए जाएँ, उनको खोला जाए जिससे मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर हो सकें। और उसके बाद जो भ्रष्टाचारी MS हैं, चिकित्सा अधीक्षक KK गुप्ता सर, उनको निलंबित किया जाए और विश्वविद्यालय में जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर रोक लगे और विश्वविद्यालय की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको संरक्षित किया जाए तथा महामना मालवीय के मूल्यों को बचाया जा सके। 7 दिन से डॉक्टर साहब आमरण अनशन पे है, अभी तक कोई विश्वविद्यालय के जो हेड है जी वो लोग बात नहीं की। क्या आपके एक दिवसीय आमरण अनशन पे कुछ ऐसी लग रहा है कि कार्रवाई होगी? सर, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जितने जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन सर की मांगों को मांग लेगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर विश्वविद्यालय, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी परसों हम लोगों ने मार्च किया था, बड़ी भारी संख्या में लोग थे, उसके बाद कल ट्विटर ट्रेंड चला है जिससे देश भर में इस माहौल गया है, उस बात पर चर्चा हुई है राइट टू हेल्थ की, राइट टू एजुकेशन की और सर की मांगों को लेकर। और आज भी जैसे हम लोग यहाँ पर सामूहिक उपवास पर बैठे हैं, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन आगे हम सर की मांगों को नहीं मानता है तो विश्वविद्यालय के छात्र आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अभी ये जो आपका आमरण अनशन है ये एक दिन की रहेगा या अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई BHU प्रशासन की तरफ से ये आगे भी रहेगा? सर, ये आज एक उनको चेतावनी के तरीके से एक सामूहिक उपवास किया गया है, आज ये एक दिवसीय उपवास है जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और अगर इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन सर की मांगों को नहीं मांगता है तो फिर हम लोग लगातार आमरण अनशन करने के लिए और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सर की मांगों को रखेंगे और जब तक सर की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग लगातार लगे रहेंगे। आज कितनी की संख्या में लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं? आज लगभग 15-16 की संख्या में यहाँ पर हम लोग आमरण उपवास में बैठे हुए हैं।